एक गिव अवे है जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, जो यहाँ तक रुका है उसी को पता चलेगा। तो गिव अवे ऐसा है कि स्कर्ट और शॉर्ट को मिला के स्क्वाट्स करके बना दिया है, और वहीं पर पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड करेगा। ओ मैं क्या, हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज हम बात करेंगे 10 विंटर फैशन ट्रेंड्स के बारे में, जो इस 2024 के साथ साथ आने वाले 2025 में भी ट्रेंड करेंगे। ये जितने भी फैशन ट्रेंड के बारे में आज मैं बात करूंगा, ये सारे के सारे इंडियन ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। जब भी हम फैशन स्टाइलिस्ट कुछ इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, नीचे दो चार लोग के कमेंट आ जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, फ्यूचर देख के आए हो क्या, फैशन टीवी, जीक्यू मैगजीन, इंटरनेशनल रैम वॉक्स। इंडिया में भी काफी सारे रैम वॉक्स होते हैं, फैशन वीक्स होते हैं, जैसे कि लखनऊ, आपने सुना होगा लखनऊ में, लखनऊ का लोकल फैशन वीक होता है। तो इन जगहों पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, या जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, या फिर कुछ लोकल ब्रांड्स हैं उस पर्टिकुलर शहर के, उनके डिजाइनर्स या फिर वो खुद अपने नए कलेक्शंस लॉन्च करते हैं, और वहीं पर पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड करेगा। कुछ हमारा पास्ट 10-12 साल का एक्सपीरियंस, कुछ हमारी इंस्टिंक्ट, ये सब मिलाकर हम आप लोग को बता देते हैं कि भाई क्या ट्रेंड करेगा। इंटरनेशनल फैशन वीक में क्या हुआ था, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे अतरंगी सतरंगी ट्रेंड्स वहां देखने को मिले, उनके बारे में भी बात नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। बट आज जो भी बात करने वाला हूं, बिलीव मी, अगर आपने ये सब डाल लिया अपने ऊपर या कैरी करना आ गया आपको, भाई साहब लोग मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं आप। वीडियो बहुत चौकस होने वाली है। जिन भी चीजों के बारे में बात करूंगा, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स डाल देता हूं। उससे होता क्या है, थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है बस। ये जो वीडियो की एडिटिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये थोड़ा बहुत निकल जाती है बस, कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं मिली रहती है। अभी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, दो चार बार वीडियो देखिएगा, जबको लगता है कि इस लड़के के चैनल को, इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन दबाइएगा। सो होता है कि जब भी हम वीडियो पर आते हैं, वैसे तो कुछ YouTube बताता नहीं, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, कभी ना कभी तो घंटी बज जाएगी ना, टिंग 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 टिंग। टिल लास्ट ईयर मैं आपसे कह रहा था कि फ्लीस मटेरियल वाले जैकेट ले लेना, इस साल मैं कह रहा हूँ फ्लीस मटेरियल वाले जैकेट्स ले लेना। मैंने अभी रिसेंटली एक हॉल किया अपने चैनल पे, उसमें भी मैंने आपको फ्लीस जैकेट दिखाई थी, जो हमें बहुत टाइम से देख रहे हैं, जिन्हें फैशन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा उनको तो पता है कि जैकेट क्या होती है। बट फॉर दोज हु डोंट नो कि जैकेट क्या होती है, शर्ट और जैकेट को जब कंबाइन कर दिया जाता है उसको हम जैकेट कहते हैं। शर्ट से थोड़ा मोटा मटेरियल, बट जैकेट से थोड़ा पतला बीच का, मतलब गुलाबी ठंडी में या फिर कभी लेयरिंग करनी है तो जैकेट आप वियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड करेगा, डेनिम ऑन डेनिम फैशन। हाँ, मुझे पता, अभी आप लोग कहोगे कि जाहिद तुम तो बोलते हो कि बचपन में भी डेनिम पहनते थे, आने वाले 20 साल बाद भी पहनोगे, तो अभी क्यों बोल रहे हो कि ये ट्रेंड कर रहा है। डेनिम ऑन डेनिम कह रहा हूं। अभी डेनिम ऑन डेनिम का क्या मतलब होता है कि आपका जो अपर वेयर है वो भी डेनिम का है, मतलब कि डेनिम शर्ट हो सकती है, डेनिम जैकेट हो सकती है, और जो बॉटम वेयर है वो भी डेनिम का है, चाहे वो डेनिम की जीन्स हो सकती है, डेनिम की कार्गो हो सकती है। एक चीज समझना, ये जो डेनिम ऑन डेनिम ट्रेंड है ना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इस साल ट्रेंड करेगा, बिकॉज हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा होगा, कुछ कुछ लोगों ने कर भी दी होगी, और जो फैशन वीक हुआ था जिसमें गुची प्राडा टाइप के बड़े बड़े ब्रांड्स आए थे, उन सबने जब अपना डेनिम कलेक्शन दिखाया तो उसमें डेनिम ऑन डेनिम चल रहा था। बस यही वजह है कि अब आप डेनिम ऑन डेनिम ज्यादा देखेंगे लोगों को पहनते हुए, यह ऐसा कुछ नया ट्रेंड नहीं आया है। यहां मैं एक छोटी सी फैशन टिप देना चाहता हूँ कि मोनोक्रोम लुक के लिए जाना, मोनोक्रोम आउटफिट बनाना, मतलब अगर आपने फेडेड लाइट ब्लू शेड का ऊपर कुछ पहना हुआ है तो आपका बॉटम भी वैसी रहेगा, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। जितने लोग भी छोटे हाइट वाले हैं वो लंबे दिखने लगेंगे, जितने लोग भी ओवर साइज की तरफ हैं, जिनको पतला दिखना है वो पतले दिखने लगेंगे। नेक्स्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड करेगा, फर वाले कोट्स, वो ऊपर से नीचे तक ऐसा फर फर निकला रहता है ना। अब तक लड़कियां इस टाइप के आउटफिट्स बहुत पहना करती थी, बट इस साल से आप लड़कों को भी पहनते हुए देखेंगे। एक बार को वेस्टर्न फैशन हटा देते हैं, हमारे योयो हनी पाजी, उनका एक अभी गाना आया था जट महकमा, उसमें उन्होंने फर वाला कोट पहना था। अभी बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे कि भाई ये कैसा लग रहा होगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा गर्ली गर्ली लगेगा, बिकॉज हम अब तक लड़कियों को पहनते हुए देखते हैं। मेरे ओपिनियन में मैं आपको बता देता हूं कैसा लगेगा, बहुत अल्ट्रा रिच, ये जो ओल्ड मनी के 14 है ना, वो भी इसको पहन सकते हैं। एक ऐसा बैड एस और माफिया वाइब देनी है ना, गैंगस्टर लुक बनाना है, आप फर कोट को ट्राई कर सकते हो। पहाड़ों पर जाने का प्लान है, फर कोट को लेके जाना।
स्टाइलिश के साथ साथ ठंड से भी बचाता है। नंबर फोर्थ पर ट्रेंड करेगा शॉल, बिकॉज आपके जाहिद ने बोला था कुछ टाइम पहले। यूजुअली हम शॉल्स पहनते हुए किसको देखते हैं, हमारे घर की फीमेल्स को या फिर पापा लोग को, दादा लोग को। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखो कि आप मैं शॉल पहनकर निकले, क्या वाइब होगी ना यार। यूजुअली आप एथनिक के साथ शॉल कैरी कर लेते हो, वो भी बहुत रेयर तादाद में लोग हैं जो एथनिक के टाइम पे शॉल को एज अ स्टाइलिंग एलिमेंट कैरी करते हैं, या फिर आपने पंजाबी गानों में, हरियाणवी गानों में देखा होगा। अगर आप कभी गांव साइड में जाएं तो वहां जो जमींदार होते हैं, मुखिया लोग होते हैं, जो गांव के अमीर होते हैं, वो सब शॉल्स में दिखते हैं। ओल्ड मनी में शॉल भी आप पहन सकते हो। अभी यहाँ एक चीज समझना, सिर्फ एथनिक के साथ ही शॉल नहीं जाएगा, आपने जो अपना ऊपर से नीचे पूरा फॉर्मल अटायर पहना है उस पे भी शॉल जा सकता है। कॉलेज में पहनकर मत चले जाना, अपने ऑफिस में पहनकर मत चले जाना। कॉलेज वाले पीटे जाओगे, ऑफिस वाले निकाले जाओगे, फिर बाद में मत बोलना कि जाहिद ने बोला था। जाहिद ने बोला है शॉल ट्रेंड करेगा, एक बहुत ही बढ़िया फैशन पीस है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाली है बकेट हैट्स। मैं भी 4-5 महीने पहले कश्मीर गया था, वहां मैंने बकेट हैट पहनी थी। वैसे उसका वीडियो अभी तक नहीं डाल पाया हूं, बट मैं बहुत जल्दी डालूंगा, प्रॉमिस करता हूं। बंजारा जाहिद मेरा जो ब्लॉग चैनल है जहां पे ट्रैवल ब्लॉग्स आते हैं, सब्सक्राइब कर लेना जाके। यूजुअली स्ट्रीट वियर फैशन में बकेट हैट पहना जाता है, या फिर आपने लड़कियों को पहनते हुए देखा हो। बट मेरे प्याले प्याले भाइयों, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, जो मेरी थोड़ी सी भी सुनता है, बकेट हैट ले लेना। सस्ती सी 150-200 की भी आ जाती है लोकल मार्केट। ऑनलाइन लेने जाओगे तो शायद ब्रांड वाले 600-700 की दे रहे होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा, जहां के भी अच्छे मेरे को लिंक्स मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। 3 कलर ऑप्शंस बता रहा हूँ, ब्लैक, व्हाइट या फिर लेवेंडर, एंड यू आर सॉर्टेड। यूनिसेक्स फैशन पीस है, नो मैटर कौन सा वेदर चल रहा है आप पहन सकते हो। भाई बहन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। सो यू नो, एक खरीदोगे दो दो लोग उसका फायदा उठाओगे। ऑलराइट जी, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लेदर मटेरियल के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए खुशखबरी है कि इस साल से लेदर पैंट्स ट्रेंड करने वाले हैं। अब तक हमने सिर्फ लड़कियों को देखा था। यूजुअली मैंने आज तक अपार्ट फ्रॉम क्लबिंग किसी लड़के को लेदर पैंट पहनते हुए नहीं देखा था, और क्लबिंग में भी एक होगा कोई एस्थेटिक का 14, बट अब ट्रेंड में आ गया है। अभी मुझसे पूछोगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहाँ पहनना चाहिए, कहाँ नहीं पहनना चाहिए, सब कुछ बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं जब कॉलेज में होता तब क्या मैं इसको लेता कि नहीं। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ ना, मिडिल क्लास फैमिली है, हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी बहुत कम, उस महीने की पॉकेट मनी से हम शायद एक शर्ट भी नहीं खरीद सकते थे। तो मैं अगर कॉलेज में होता तो मैं शायद लेदर पैंट नहीं लेता, बट मेरी पॉकेट मनी ठीक है, या फिर मैं जिद करके अपने घर वालों को बोलता कि मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे घर वाले दिला देते तो मैं ले लेता, बट इसको मैं कहां पहनता वो मैं आपको बताता हूं। कॉलेज में डेफिनेटली मैं पहन के नहीं जाता, अनलेस कि मैं एमिटी शारदा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का छात्र होता तो। वैसे मैं एमिटी के पास आउट हूं, तो मैं अपने कॉलेज में पहन सकता था। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे हमारे यहां तो भाई ड्रेसेस चलती हैं, तो भाई आप उसको कॉलेज नहीं उसको स्कूल बोलिए। खैर, जो 20-21 वाले हैं उनको लेदर पैंट कहां पहननी चाहिए। क्लबिंग अगर कर रहे हो, कोई भी तरीके की पार्टी है, चाहे वो हाउस पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी भी कार का एक गेट टुगेदर हो रहा है, वहां उसको पहन सकते हो। पहाड़ छोड़कर कहीं पर भी ट्रैवल करने गए हो पहन सकते हो, गोवा में स्पेशली पहन सकते हो। अभी पहाड़ को क्यों मैंने इंक्लूड नहीं किया, भाई देखो पहली बात तो लेदर ओरिजिनल वाली तो होगी नहीं, वो ओरिजिनल लेदर पैंट आएगी 8-10 हजार रुपए की। अभी जारा को भी ले लें, वो भी फॉल लेदर मटेरियल का लेदर पैंट बनाता है, मतलब 5-6 हजार में आपको मिलने वाली है वो सिंथेटिक लेदर वाली। तो उसमें क्या होता है, स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं, फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहाड़ पे जाओगे, ऑब्वियसली बात है भाई, पहाड़ पे पहाड़ भी चढ़ रहे होगे, ट्रैक व्रैक भी कर रहे होगे, तो जो पैसा डाला है वो बर्बाद हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि लेदर पैंट किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रेंड कर रहा है वो है कॉर्ड्रॉय मटेरियल का या तो जैकेट या तो शर्ट। इसके बारे में भी मैंने अपनी पास्ट की कुछ वीडियोस में बात की है। आज से लगभग 22-23 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था और मैं बहुत शरारत नहीं करता था क्योंकि चपेटे पड़ जाती थी, तब हम कॉर्ड्रॉय की शर्ट भी पहनते थे, कॉर्ड्रॉय की हम पैंट भी पहनते थे। तो कहने का मतलब यही कि हर 20 साल में फैशन अपने आप को रिपीट करता है। जो लड़का एक टाइम पे पहन रहा होता है कपड़े, वो एक टाइम पे लड़कियां पहनना शुरू कर देती हैं, जो लड़कियां एक टाइम पे पहन रही होती हैं वो लड़के पहनना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक नया कपड़ा आया है मार्केट में, स्कर्ट और शॉर्ट को मिला के स्क्वाट्स करके बना दिया है।
अभी मुझे नहीं पता उसको कौन पहन रहा होगा। बहुत सारे आप इंडियन फैशन इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे कि वो शॉर्ट पहन के बाहर निकल जाते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी और पता नहीं क्या क्या वो डाल देते हैं। उनको पता है कि उसपे एंगेजमेंट ज्यादा आएगी, लाइक ज्यादा आएगी, कमेंट ज्यादा आएगा और मेजरली लड़कियां कहेंगी वाह 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 वाह। तो भाई चुतिया पाए वो फैशन, स्कर्ट पहन के कौन जा रहा है बाहर भाई? वो सिर्फ रील, फोटो, टीवी और फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। हो सकता है आज से 20 साल बाद प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फैशन के ट्रेंड और फैशन के कपड़े हैं जो हो सकता है कि आपके शहर में या आपके देश में एप्लीकेबल ना हो। मिसाल के तौर पर बैगी टियर वन में किसी को कोई टेंशन नहीं है। आप दिल्ली मुंबई जाओगे, नोबडी गिव्स अ फक कि आपने ओवरसाइज पहना है कि आपने कटे फटे कुछ भी पहने हैं, स्कर्ट पहन के घूम रहा है लड़का। बट देन व्हेन यू कम्स टू टियर टू, जैसे कि हम लखनऊ वाले हैं, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, आगरा हो गया, मतलब जब मैं अपने शहर में, मैं लखनऊ से हूं, तो मैं जब लखनऊ में पहन कर निकलता हूं बेल बॉटम्स बैगी, तो मेरे को शायद ही एक दो लोग होंगे जो स्टेयर नहीं करते, ऊपर से नीचे पूरा स्कैन करते हैं, बिकॉज यहां के लिए वो नहीं चीज है। अभी सेम कपड़ा, मैं टियर थी, मतलब मैं अपने गांव साइड में चला जाऊं, बनारस के आउटस्कर्ट्स हो गए, बिहार के आउटस्कर्ट्स हो गए, भाई वहां लोग मुझे घर पहुंचा देंगे। सो वही मैं आपको कह रहा हूं कि किस जगह पर कौन सा फैशन एप्लीकेबल है वो भी आपको समझना पड़ेगा। नंबर 8 पर है टोट बैग। अब तक आपने लड़कियों को देखा था कैरी करते हुए। अभी कुछ महीने पहले की बात है, आई थिंक सेप्टेम्बर मिड में आई वॉज इन दिल्ली, हमने भी टोट बैग लिया अपने लिए, अपनी बहन के लिए और अकबर ने भी लिया था। फीलिंग थोड़ी सी पहले दिन अजीब सी थी, बिकॉज कभी टोट बैग कैरी नहीं किया ऐसा, एंड लोग काफी घूर रहे थे टियर वन में, सोच रहे हो, बट टोट बैग इज द फ्यूचर। एक बहुत ही मस्त बात आपको मैं बताता हूँ टोट बैग के साथ, एक तो फैशन स्टेपल है, दूसरा आपको लोगों से हटके दिखाता है, तीसरा मेन चीज शॉपिंग करने गए हो तो अलग से वो जो आप बैग का पैसा दे रहे होते हो वो बच जाता है। सरोजनी जैसी जगहों पर आप भर भर के सामान लेने आए हो तो वो उसके अंदर डाल सकते हो, मतलब जो आप 100-150 का एक अलग से बैग खरीद रहे थे उसका पैसा ही बच जाता है, साथ में स्टाइलिश भी लगता है। सो टोट बैग ले लेना, थोड़ा अतरंगी सतरंगी टाइप का ही लेना। एक चीज और मैंने सोची है, मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हैं जिनसे मैं सोच रहा हूँ DIY करने की, टोट बैग बनाने की। इफ यू वांट दोस वीडियोस बता देना, बना दूंगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाली है लेदर मटेरियल की पी कोट और लॉन्ग कोट। जब भी लेदर मटेरियल आता है ना सीन में, वो आपको कॉन्फिडेंट बैड एस बैड बॉय बना देता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, रेट्रो स्टाइल वाले बाइकर जैकेट्स फिर से इन हैं। अगर आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन लेने हैं ना, तो ये थोड़े से महंगे आएंगे, मतलब 12-15-20 हजार तक के, बट मेरी मानो ना तो थ्रिफ्ट के लिए जाना, मतलब थ्रिफ्ट पेजेस पे शायद आपको 4-5 हजार रुपए के मिल जाएंगे। ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ, मतलब रेट्रो के नाम पे वो जो एक जेनरिक सेलर करके अमेजोन पे बेचता है वो वाला जैकेट नहीं बोल रहा हूँ, एकदम लेजिट विंटेज स्टाइल वाली, मतलब काउबॉय फैशन समझ लो आप। वैसे काउबॉय के ऊपर भी पूरी वीडियो बन सकती है, इफ यू वांट मैं बना दूं। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस, 10 बहुत ही बढ़िया जो इंडिया में एप्लीकेबल हैं, हर हिंदुस्तानी इन फैशन को बढ़िया तरीके से कैरी कर सकता है, वो चीजें मैंने आपको बताई। और जो भी चीजें आपको वीडियो में बताई उनके जहां जहां मुझे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक रहेंगे। चैनल पे अभी तक बने हुए सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, एक गिव अवे है जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो जो यहां तक रुका है उसी को पता चलेगा। तो गिव अवे ऐसा है कि वीडियो पे जैसे ही 2000 लाइक पूरे होंगे, हम करेंगे किन्हीं 2 लकी विनर्स को 2000 रुपए के अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स, और उन वाउचर से आप कुछ भी खरीद सकते हो। रूल क्या है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के, चैनल का सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट करिए कि आप हमारी वीडियोस क्यों देखते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो उठा के किसी को शेयर कर दीजिएगा, और जब आप शेयर करें वो स्टोरी लगा दीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग कर दीजिएगा। जैसे इस वीडियो पे 2000 होने वाले हैं, बाकी तो आपको पता है। एक चीज और है भाई, इंस्टाग्राम पे हम आपको बना रहे हैं फ्रॉम एवरेज टू सेवेज, नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, बहुत जल्दी वहां 1 लाख होने वाले हैं, यहां 2 लाख। भाई नए साल से पहले करा दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।